पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक का कहना है कि बदकिस्मती से हमेशा पाक भारत क्रिकेट को सियासत से जोड़ दिया जाता है, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड को मिलकर मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालना चाहिए। क्या ICC और एशिया कप के मेजबान दोनों मुल्कों में से एक हो तो क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर इवेंट से पहले इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और मसाइल बढ़ जाते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारतीय कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। भारत में कंडीशंस जबरदस्त होती हैं, क्राउड का प्रेशर होता है जिससे हौसला भी मिलता है। वर्ल्ड कप में अहम काम 11 खिलाड़ियों का इंतखाब है जो कंडीशन को देखकर सोच समझकर करना होगा। मिसबाउल हक ने कहा कि PCB में बार बार तब्दीलियों से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, जिससे क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट में भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। जो भी इदारा हो इसमें मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। PCB में बार बार तब्दीली से खिलाड़ी मुश्किल का शिकार हैं। मिसबाउल हक ने कहा कि PCB ने फिलहाल कोई रब्ता नहीं किया, अगर रब्ता होगा तो देखूंगा क्या रोल दिया जाता है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तानी स्पिनर्स के लिए चैलेंज होगी। सीरीज में स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम होगा।